हृदय में से छोड़ आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ मैं आपसे, तंग आ गई थी मैं आपसे। चलना है फिर, तुम और मैं वही कहानी फिर से शुरू करते हैं। जो आंखों में थी मेरे आंसू मुझे आखिर बिखरना था, तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। क्या कर रहे हैं? नहीं वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने तुम सो रही थी तो रिलैक्स हो गए, सो जाओ, मैं वैसे भी स्टडी में जा रहा हूँ। वो कल रात महमल आ गई थी, हम सबसे शायद झगड़ा हुआ उसका। घर के झगड़े घर में तय किए जाते हैं, दूसरों के दर पर नहीं। आखिर किस लिए आई है? जब दिल पे चोट लगती है तो अपनों की याद आती है। मां अपनों की? कौन से अपने? वो अपने जिन्हें खुद ठोकर मार कर गई थी वो? खैर पुरानी बातों को तस्करा ना करें तो अच्छा है। उसे किसी किस्म का कोई आसरा देने की जरूरत नहीं है, वो कटी पतंग की तरह उड़कर तो आ गई है यहां, लेकिन मैं उसे ज्यादा दिन यहां रहने नहीं दूंगी। और तुम भी उससे दूर रहना, समझे? अच्छी तरह से जानती हूं उसे। पुराने वादों की कर्ज झाड़कर तुम्हें मिट्टी करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदल दिया। शादीशुदा हूं मैं। रिलैक्स। मॉर्निंग ताई अम्मी। सुबह सुबह इतनी तैयारी? ताई अम्मी कभी कभी तैयारी भी थेरेपी का काम करती है, उदासी दूर हो जाती है। हुआ क्या था? खैरियत तो है? छोड़े ताई अम्मी, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी आपको। देखो बेटा, ज्यादा लंबी लड़ाई मत रखना, मर्द तन्हा रहने का आदि हो जाता है। उस घर में अकेला वो नहीं, अकेली मैं थी। उसके पास तो कभी कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस, कोई बिजनेस पार्टनर होती थी। लेकिन तुम तो बहुत तारीफें किया करती थी उसकी। झूठ बोलती थी, झूठा भरम रखती थी उसका। भरम तो हर शौहर बीवी एक दूसरे का रखते हैं। अच्छी बात है कि तुमने भी किया और आइंदा भी इसी तरह निभाना। नहीं ताई अम्मी, अब नहीं निभाया जाता मुझसे। निभाना तो पड़ेगा तुम्हें, और फिर शादी के बाद औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता है। तलाक के बाद औरत क्या करे, कहां जाए वो? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? क्यों अपना हंसता बसता घर उजाड़ने के दर पे हो? थक गई हूं ताई अम्मी, थक गई हूं उसकी झूठी मोहब्बत का भरम रखते रखते। मेरा दिल, मेरा दिमाग शल हो गया है। थकावट दूर करने के लिए एक ठिकाना ढूंढ लिया तुमने, अच्छा किया। जब तक तुम हालात से समझौता करो, तुम यहां सुकून से रह सकती। लेकिन इसको अपना मुस्तकिल ठिकाना ना समझो, जैसे थके हुए मुसाफिर सराय में वक्त गुजारते हैं और फिर सुबह उठ के अपनी असल मंजिल की तरफ चल देते हैं। Thank you.
गणेशी तुम्हारी ऐसी उलझन ने तो मुझे भी उलझा के रख दिया। अगर कोई मसला था कोई बात थी तो शेयर कर लेती मुझसे, मां खुदा एक दोस्त की तरह सुनूंगा तुम्हारा कोई भी मसला हो तो। जब कुछ है ही नहीं तो क्या डिस्कस करती? एनीथिंग, आई मीन जो भी बात। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत फ्रेश लग रही हो। अच्छा है ना, इस खुशी के पीछे मेरी उदासी छुप जाएगी। तारुफ हो चुका है ना तुम दोनों का? जी। लेकिन एक ऑफिशियल तारुफ तो बनता है मेरी तरफ से। मेमल, मेरी फर्स्ट कजन, चचा की बेटी, हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बीवी। और मेमल, ये दिल नशीन है मेरी बीवी। नाश्ता लग गया, ताई अम्मी तुम लोगों का वेट कर रही है। हाँ आ रहे हैं बस। विदाउट शुगर चाय पीता है। दो चम्मच चीनी, दो चम्मच। जिंदगी में जब रंग आ जाए तो चाय भी फीकी नहीं पीनी चाहिए। तुम आज मुझे शाम को अंसब के पास ले चलना। समझता क्या है वो, अपनी मनमानी किए जाएगा? हम है ना इसके सरपरस्त। ताई अम्मी, मैं फैसला कर चुकी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। बेटी है तुम्हारी, क्या बाप की शफकत के बगैर रहेगी वो? अनसब के होते हुए भी वो उसकी शफकत से महरूम ही थी। उसके पास वक्त ही कहाँ है हमारे लिए। इसमें भी उसका कसूर नहीं। तुम्हारा इतना हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती होगी। ऐसा कुछ नहीं है ताई अम्मी, हमारे दरमियान पैसे का कोई इशू नहीं है। इशू है, जब ही तो तुमने अनसब का इंतखाब किया था, अब क्यों रोना रो रही है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब मैं सुधारना चाहती। अगर गलती सुधारना चाहती हो तो टूटते हुए रिश्तों की डोर को समझौते की गिरा लगाकर मजबूत करो। एक्सक्यूज मी, अगर वो नहीं जाना चाह रही है मेहमल से भी पूछना तो। उसके चाहने या चाहने को देखने के लिए उसका शौहर मौजूद है।
तुम अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र करो। इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से हम लोग देख लो और कंटिन्यू करो। बोलो मैमल। हैदर, हैदर तुम प्लीज ताई अम्मी को समझाओ ना। अनसब के घर जाने की जिद क्यों कर रही है वो? मैमल समझने की जरूरत तुम्हें, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। हाँ मैं मानती हूँ मेरा फैसला जज्बाती था, लेकिन लेकिन तुम भी तो समझो ना हैदर, मेरी इस फैसले की वजह तुम हो जिसने मुझ जैसी मटेरियलिस्टिक लड़की के दिल में प्यार डाला है, मेरे दिल को पिघला दिया है तुमने। बहुत देर हो चुकी है मैमर, प्यार में देर नहीं होती है। देर चाहे मुझे मत अपना, लेकिन प्लीज ताई अम्मी से कह दो कि मुझे अनसब के घर भेजने का फैसला तब्दील कर दे। अनसब के साथ नहीं रह सकूंगी मैं, तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मेरे सामने उसका वकील बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी हाल में भी उसका फ़ैसला कबूल नहीं करने वाली। वो ये समझती है कि तुम्हें मेरे पास भेजकर अपनी बात मनवा लेगी, ये उसकी गलत फहमी है। मुश्किलों से तो तुम्हारा घर बसाया है मैंने, और फिर तुम्हारी खुशियों को मैं उस महमिल की नज़र कर दूँ? माँ, क्यों इतना फिक्रमंद होती है? आपकी इतनी दुआएं हैं मेरे साथ। इतनी मुद्दत के बाद तो मेरी दुआएं रंग लाई हैं। वो फिर चली आई उन्हें बेरंग करने, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगी उसकी बात। देखिए, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, अब बोलने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। थैंक यू। कुछ लिया नहीं आप लोगों ने? बस बेटा, माफ कीजिएगा, एक जरूरी मीटिंग में फंस गया था, इसलिए बहुत देर हो गई, काफी इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूं। बेटा, लड़ाई झगड़े तो
मियाँ बीवी में हो ही जाया करते हैं, लेकिन उन्हें तूल देने से फासले बढ़ते हैं। वो तो जज्बाती है, मगर तुम तो समझदार हो ना। ऐसे फैसले जज्बात और जोश में नहीं, होश में किए जाते हैं। मैं कहूंगी बेटा कि तुम उसे आके ले जाओ, उसे यहां से जाने को मैंने नहीं कहा था, इसलिए वो वापस भी खुद ही आएगी। और अगर उसे लगता है कि मैं रिवायती शोहरों की तरह उसे मनाने के लिए वहां जाऊंगा, तो इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। वो अच्छी तरह जानती है कि हमारे दरमियान रूठने मनाने का कोई सिलसिला नहीं है, ये बात पहले से तय थी। क्या तय किया था? यही कि हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं है। ना मैं उसे प्यार दूंगा और ना ही दूसरे शोहरों की तरह उसके नखरे उठाऊंगा। पहले ही मैंने अपनी कमिटमेंट से बहुत ज्यादा कर दिया है उसके लिए। ये ऐशो इशरत, एक बेटी है उसके पास, अब अगर वो अपनी कमिटमेंट अपने माहदे से पीछे हट रही है तो मैं क्या करूं? लेकिन उसने तो हम पे कभी जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि यही जाहिर किया कि तुम उसे बहुत प्यार मोहब्बत देते हो। जाहिर है, मजबूर थी, अपनी फेस सेविंग के लिए झूठ बोल रही होगी आप लोगों के सामने। शायद उसे लगता होगा कि ट्रेडिशनल हस्बैंड्स की तरह मैं गुजरते वक्त के साथ उसे प्यार करने लग जाऊंगा, और जब ऐसा नहीं हुआ उसका भरम टूट गया और फिर उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, तभी तो आपके घर चली गई। अंसम, एक बीवी अपने शौहर से प्यार का मुतालबा कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है यार। मुतालबा गलत नहीं है, मगर वो गलत इंसान से मुतालबा कर रही है। देखिए, मुझे अपने मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, लेकिन महमल ने आप लोगों को इन्वॉल्व कर ही लिया है तो उससे कह दीजिएगा अगर वो यहां वापस आएगी तो खुद आएगी। और अगर उसका इरादा कुछ और है तो दूसरी सूरत में डिवोर्स पेपर्स मैं उसे भिजवा दूंगा। सब प्लीज, आप लोग यहां आए हैं कुछ खा पी के जाइएगा। अंदाजा था मुझे।
आपसे एक बात पूछनी थी। शुक्र है तुमने कोई बात तो की, वरना एक ही कमरे में हम दोनों अजनबियों की तरह रह रहे थे। बैठो इफ यू डोंट माइंड। नशीन जो भी बात होती है कर लिया करो, घबराया मत करो मुझसे। थैंक यू। बोलो। वो मैं कहना ये चाहती थी कि मुझे लगता है कि आपकी कजिन खुश नहीं है अपने हस्बैंड के साथ। आप लोगों ने क्यों वापस भेज रहे हैं? अगर इतने साल बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो जरूर एडजस्ट करने की भी कोशिश की होगी, अपने रिलेशन को चांसेस भी दिए होंगे। बड़े फैसला करते वक्त हम लड़कियों की खुशियों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? मांगने पर माफी मिल सकती है, बेटी नहीं। मैं अपना थूका हुआ नहीं चाटूंगी। एक बार मना कर दिया ना तो बात खत्म। क्यों उन्हें रिश्तों के बोझ तले दबा देते हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझसे मुझे आपसे प्यार है कुछ नहीं। मैं कभी हमजा का नाम भी नहीं लूंगी। कुछ गलत कह दी। मैं फिक्र रहा हूं, तुमने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। दिलनशीन तुम्हारी किसी भी खुशी को नजरअंदाज नहीं करूंगा। ना ही किसी रिश्ते का बोझ डालूंगा तुम पर। जो भी है आधा आधा बांट लेंगे। मुझे दे तू दिल में जगह, मिले मुझको धूप में साया तेरा। तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में, कहीं भी गुजरा दिल बंजर मेरा। Thank you.
देख लीजिए। वो ईशल की वैक्सीनेशन के लिए जाना है, शाम को तुम जल्दी आ जाओगे? ड्राइवर है वो ले जाएगा तुम। हैदर, अपनी बेटी को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती मैं, और जब उसे इंजेक्शन लगता है तो रो रो के बुरा हाल कर लेती है। वो ड्राइवर तो नहीं संभाल सकेगा ना बच्ची को। नहीं कोई इशू नहीं, मैं आ जाऊंगा। ओके थैंक यू। बाय, टेक केयर। ठीक हो ना तुम? चलो कुछ बातें कर ली है तुम्हारे साथ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी एज की लड़कियां इतना हंसती हैं, खेलती हैं, शोक चंचल होती हैं, तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? सब ठीक है ना? खुश तो हो ना तुम? जी बहुत खुश हूँ। आई मीन हैदर के साथ खुश तो हो ना तुम? जी बहुत केयरिंग है वो। केयरिंग तो बहुत है वो, और पता है मेरे साथ तो बहुत फ्रैंक है। तुम दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है ना, तुम्हारे साथ उतना फ्रैंक नहीं होगा। रोब तो नहीं झाड़ता तुम पे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग है बहुत। हाँ बचपन का दोस्त है मेरा, और लड़कपन का प्यार थी मैं उससे। प्यार? अरे प्यार नहीं, इश्क बोलो इश्क। ऐसे दीवानों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था, मैं कुछ भी कहती थी ना ऐसे चुटकी में मेरी हर डिमांड को पूरी कर देता, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे। दुल्हन बीबी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। हाँ चलें। ओके मुझे तो नहीं देखा जाएगा, तुम ही कह दो ना डॉक्टर से कि प्लीज मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होता कुछ, रिलैक्स। ओके डॉक्टर साहबा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखिएगा। इधर इधर इधर। आपके पास इतने कम वक्त में कितनी मानूस हो गई है तुमसे। बच्चों के दिल ना मालूम मता की आराइशों से आजाद होते हैं, इसलिए वो दिल की मांगते हैं। जिससे प्यार कर लेते हैं सिर्फ उसी के हो जाते हैं। हैदर, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जिस्म से जब जान निकलती है तो कितनी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ मैंने कई साल सही है मुसलसल। खैर जो बीत गया सो बीत गया। मैं वापस आ तो गई। महमल तुम ठीक हो? क्या चाह रही हो तुम? अपनी नई नवेली दुल्हन को मैं घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं, और जहां तुम नुक्ता लगाओगी सब कुछ वहीं रुक जाएगा। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। मुझे एहसास है। क्या करूं तुम्हारे इस एहसास का जो तुम्हें इतनी देर के बाद आया, और वो भी शायद इसलिए कि दिलनशीन मेरी जिंदगी में आ गई। अगर वो ना आती तो तुम्हारे सामने वीरान और बंजर जिंदगी गुजार रहा था, तब तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया?
हिम्मत तो करो, तुम देखना हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। अब कुछ नहीं हो सकता है मेहमत, और तुम शुक्र अदा करो इस बात का कि माँ को तुम्हारी नीयत के बारे में कोई भिनक नहीं पड़ी, वरना उस घर में रहना मुहाल कर देंगे। प्लीज